दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में म्यूज़िक कैसे ऐड कर सकते हैं। ये फीचर इंस्टाग्राम पर बहुत पहले आ चुका है, बट आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर म्यूज़िक कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिवास मजी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन होने के बाद टॉप में लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है योर स्टोरी, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, उसमें से जो पहला ऑप्शन है ऐड टू योर स्टोरी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे स्टोरी सेट करते हैं उसी तरीके से कोई भी एक फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको ऊपर में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, राइट साइड से थर्ड नंबर जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर आपको लोकेशन, मेंशन, हैशटैग मिल जाता है, उसमें आपको और एक ऑप्शन मिलेगा म्यूज़िक, तो आपको यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करना है। आप म्यूज़िक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा कुछ पॉपुलर म्यूज़िक। अगर आप यहाँ से कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज में भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग पॉपुलर पे आ जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक म्यूज़िक को चूज़ कर लेते हैं। म्यूज़िक चूज़ करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका आइकॉन या फिर स्टाइल जैसा बोलते हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक के साथ आपको इस टाइप का मतलब राइटिंग में चाहिए तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इस टाइप का आइकॉन ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए कि आपको कैसा चाहिए। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं 15 लिखा हुआ है। अगर आप इस 15 में क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस म्यूज़िक का कितना पार्ट को ऐड करना चाहते हैं। यानी एक म्यूज़िक लगभग 3 मिनट 4 मिनट का होता है, आप पूरे म्यूज़िक को आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेट करने का मैक्सिमम टाइम होता है 15 सेकेंड और मिनिमम 5 सेकेंड। यानी आप उस पूरे म्यूज़िक में से 5 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक कोई भी पार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से टाइम चूज़ कर लीजिए आपको कितना टाइम का म्यूज़िक ऐड करना है। हम चाहते हैं 15 सेकेंड का, आप चाहे तो 14 सेकेंड भी कर सकते हैं, 13 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो उसको डन कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट आपको लेना है इस पूरे म्यूज़िक में। तो नीचे देखिए एक ऑप्शन है, तो इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप उस पूरे म्यूज़िक में से 15 सेकंड को कहाँ से लेना चाहते हैं। तो वहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन है डन का, तो आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से कोई स्टिकर चाहिए या फिर कोई इमोजी चाहिए तो आप वो चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। जब आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आप नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेंड टू, तो आपको यहाँ पे सेंड टू में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे योर स्टोरी के साइड में जो शेयर बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है और डन कर देना है। और डन करते ही ये स्टोरी आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्टोरी ऐड हो चुका है। थोड़ा देर ये टाइम लेता है, जैसे कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टोरी में शेयर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोई भी म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर म्यूज़िक कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।